हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है ना, कि एक चीज़ जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इन सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में बोलूँ तो महंगाई बढ़ जाना। जैसे कि आप एक पहले 10 रुपये की पेन जो खरीदते थे, आज वही पेन आपको 15 रुपये में मिल रही है। उसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें क्या होता है ना, अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मानो कि आपने एक घर खरीदा था पहले, आप उधर रहते थे, आपका मंथली बजट आपने 20,000 रुपये बनाया था 2020 में। आज वही घर में आप रह रहे हो, वही आपका बजट प्लान सेम है, आपको वो सारी रॉ मटेरियल्स ही चाहिए, वो सारी चीज़ें ही चाहिए। बट इसमें होता क्या है ना, आपको वो 20,000 की जगह आज के तारीख पे 25,000 रुपये डालना पड़ रहा है वो सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए। ये 5,000 जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना आपका, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट आपको एक्चुअल में बताओ तो उसके मेन 3 रीजन्स होते हैं कि इन्फ्लेशन के एक्चुअल 3 रीजन के टाइप्स की वो क्या होते हैं। एक तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है ना, कि कौन से भी एक रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ती है। जैसे एक हैंड इन हैंड रूल होता है ना, डिमांड गोज़ अप तो प्राइस भी गोज़ अप, सप्लाई नीचे जाता है तो प्राइस भी नीचे जाती है। तो इसमें क्या होता है ना, डिमांड बढ़ने से एक चीज़ की प्राइस बढ़ती जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नीड में है, सप्लाई कम हो रही है सामने, तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो आपको और कॉस्टली मिलेगी, स्कैरसिटी होगी प्रोडक्ट की तो आपको महंगे में मिलने वाला है। तो वो एक टाइप का इन्फ्लेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है ना, बेसिकली कि एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए पहले 10 रुपये लगता था, बट आज वही प्रोडक्ट बनाने के लिए 12 रुपये लगता है। तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग में, तो वो सारी चीज़ों के कारण इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि ये बेसिकली हो सकता है आपके रेवेन्यूज के कारण, ये कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन करनी है तो वो कॉस्ट ज़्यादा ऐड करके लग सकती है अपने प्राइस पे, या फिर उनके लेबर कॉस्ट के कारण, कि लेबर्स लोगों की स्कैरसिटी या फिर कुछ है तो उनके कारण प्राइस बढ़ रही है, या फिर रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज है, या फिर रॉ मटेरियल्स महंगे में आ रहे हैं उसके कारण कॉस्ट बढ़ रही है एक प्रोडक्ट की, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं कि उसके कारण एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। जैसे कि मानो कि ये चश्मा बनाना है, पहले ये चश्मा आपको 2,000 रुपये में बनता था, बट आज यही चश्मे की ये फ्रेम महंगी हो गई है, ग्लास महंगी हो गई है, सब इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेबर वर्क बहुत शॉर्टेज है, या फिर टेक्नोलॉजी है उसका कॉस्ट इंक्लूड हो गया है, तो वो सारी चीज़ों के कारण है ना, ये 2,000 की चीज़ें अभी आपको 2,200 रुपये में मिलेगी। तो 200 रुपया जो आपका एक्स्ट्रा लगा है वो ये कॉस्ट और ये रेवेन्यू मॉडल्स या जो भी चीज़ें हैं उसके कारण आपका इन्फ्लेशन हुआ है। एक थर्ड मेजर टाइप है, उसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये एक सेल्फ मेड इन्फ्लेशन है, जिधर डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये दोनों प्ले करते हैं हैंड इन हैंड इन बिल्ट इन इन्फ्लेशन। मतलब ये दोनों का कंबाइन कर लो तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन हुआ। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है ना, जैसे कि एक मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जैसे कि मानो कि आईफोन। आईफोन पहले आपको 50,000 में मिलता था, आज वो 70,000 का है, 1,00,000 रुपये का है, 2,00,000 रुपये तक गया है। जो उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है वो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ रही है। वही 5 साल 10 साल पहले देखते थे आईफोन आपको 20-25 हज़ार में मिल जाए, बट आज वही आईफोन लेने के लिए आपको 1,00,000 रुपये लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उसकी कॉस्टिंग में बढ़ रही है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रहा है उसमें। कैसे? कंपनीज को ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, कंपनी को लेबर का कॉस्ट देखना है, कंपनी एक्सपांशन करती रहेगी कंपनी की टेक्नोलॉजी के कारण, तो कंपनी के रॉ मटेरियल्स, तो ये सारी चीज़ों को मिला के एक बिल्ट इन इन्फ्लेशन जैसे चीज़ हो जाती है, कि एक प्रोडक्ट में डिमांड भी है और उसमें कॉस्टिंग भी बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों को मिक्सचर करके उसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इट इज़ बेसिकली अ सेल्फ मेड, एक पर्सन डिसाइड करता है कि भाई एक्चुअल में करना है कि नहीं। जैसे एक कंपनी का एक प्रोडक्ट है तो उसके कारण, जैसे और एक एग्जाम्पल दे तो बुलेट बाइक, तो उसके कारण में उसमें भी पहले डिमांड नहीं थी, बट जब से डिमांड आने लग गई है उसके कॉस्ट और उसके रॉ मटेरियल्स वो अभी परचेसिंग में भी महंगी हो गई है, तो ये सारी चीज़ों के कारण इन्फ्लेशन आती है। ये सारी इन्फ्लेशन का मेजर इफेक्ट्स फिस्कल पॉलिसीज पे भी आता है, मॉनिटरी पॉलिसी के कारण भी आता है, या फिर एक्सचेंज रेट के कारण। ये सब मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ तो, अपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि नहीं, मार्केट में एक्सेसिव मनी का सप्लाई है कि नहीं, या फिर बहुत इनसफिशिएंट फंड्स तो नहीं है मार्केट में कि भाई वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई है, डिमांड कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को देख के बैलेंस रख के गवर्नमेंट का काम होता है कि इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल में रखे। इन्फ्लेशन हमेशा ना हायर होना चाहिए ना लोअर, वो हमेशा एक बैंड के बीच में रहेगा, तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए काफ़ी बेटर है। अभी करंट अब इन्फ्लेशन देखिए तो काफ़ी अच्छा है, बट उसको स्टैगनेंट नहीं हो सकता, तो उसको हमेशा बैलेंस करके मैनेज करना।